ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आशिक हुसैन राठौर की है, जो अनंतनाग से ताल्लुक रखते हैं। अचानक से इनकी मौत वाकया हुई है, किन हालातों में हुई है, किसकी लापरवाही की वजह से हुई है, जानेंगे उन्हीं के इलाके से। हमारे साथ एक शख्स है जी, अपना नाम बताइएगा जी, मेरा नाम है फारुक अहमद है, मेरा जी, फारुक अहमद डार। बताइएगा कौन सा इलाका है, कहाँ से ये ताल्लुक रखते हैं, किन हालातों में इनकी मौत वाकया हुई। जी मैम, इस गांव का नाम है गुंचाल, ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पड़ता है और तहसील बिजबिहारा में है मैम। जी बताइए कैसे इनकी मौत हुई। मैम 2 दिन से जो सर्विस लाइन हुई है ना सर मैम, जी वो 2 दिन से काट थी। जब उन्होंने लाइन मैन को फोन वोन किया यहाँ पे सबने, तब ये 2 दिन से नहीं आए। फिर उसको मतलब बिल्कुल लाइट नहीं थी घर में, फिर ये बाहर गया लाइन जोड़ने के लिए मैम। फिर वहां पे उसने उसको शार्ट कट कर मतलब शार्ट लगे, उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। हमने जिस अनंत ये बिजबेरा हॉस्पिटल में पहुंचाया, उसी टाइम इसकी डेथ हो गई वहां पे। बिल्कुल, और इस वक्त आप उनके घर पर मौजूद हैं जी, मैं उसके घर के सामने हूँ, उसका एक छोटा जी बच्चा सर। भी है, 26 साल का बिल्कुल, लड़का है। तस्वीरें भी दिखाइएगा उनके घर से, तस्वीरें भी दिखाइएगा। ये भी बताइएगा कि आपका जो इलाका है, क्या उसमें कोई पोल नहीं है जहां पर ये वायर्स जो है वहां पर लगा सके, या फिर सभी जो जितने भी दरख्त हैं उनमें ही वायर्स लगाई जाती है जिससे लोगों की जान को खतरा बना रहता है। जी मैडम, ऐसे बहुत वाकया हुआ है यहाँ पे। वो दो तीन और भी बच गए, मगर वो बाल बाल बच गए। बिल्कुल यहाँ पे तार नहीं है ना खंबे है, यहाँ डेली होता है शॉर्ट होता है मैम, वो दरख्तों पे हाँ होता है बिल्कुल मैम। ये बिल्कुल, उसका घर तस्वीरें भी है दिखाएगा जी। जी जी मैम, इसका घर यही है, आप देख सकते हैं। और सब और क्या कहेंगे कि और भी लोगों की जान को खतरा हो सकता है, जैसे इनकी मौत वाकया हुई है, इसी तरह से जो दरख्त पे तारे लटकी रहती हैं उससे और भी लोगों को खतरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, है बिल्कुल खतरा है यहाँ पे, क्योंकि डेली होता है शॉर्ट, क्योंकि तार जो है वो जो दरखते हैं ना उन पे तार होता है। बाकी जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनसे कुछ बातचीत अगर आप कर सकें, अगर वो इस हवाले से कुछ बताएं। जी, बोलो गुलजार जी मैम, बोलो बोलो जी मैम। ये डरते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबको शक है यहाँ से। तो क्या आप वो, खैर उनके घर पे मातम पसरा हुआ है आप देख सकते हैं, और साथ ही आप क्या वो जगह दिखा सकते हैं जहां से तारों की उन वायर्स की वजह से शख्स की मौत वाकया हुई है। जी मैम, मैं उधर ही जा रहा हूँ, 1 सेकंड में दिख रहा तो हूँ, एक आपको हम सेकंड बता रहे हैं बेहद ही दुखद खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण इस शख्स की मौत वाकया हुई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और उन्हीं के इलाके से हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो अभी दिखाएंगे कि किन मैम। हालातों पहले में मौत वाकया देखो हुई। और जी मैडम, जी पहले देखो यार, हाइड्रेशन तार देखो कितनी बहुत मतलब जी नीचे डाउन है यहाँ पे भी, देखो मैम। और दूसरा भी दिखाऊंगा, ये जो है ना सपोर्ट पे देखो सर मैम, ये लाइव देखो जी आप, देखो देखो मैम कहाँ पे तार है, देखो देखो मैम, देख सकते हैं मैम, देखो ये देखो मैम, देखो मैम बिल्कुल, जी मैम, देखो जाहिर यहाँ तौर पे उसकी पर डेथ, यहाँ पे उसकी डेथ हो गई यहाँ पे, देखो मैम ये देखो मैम। कहां से कहां की वो और वो जा रहे थे और किन हालातों में इस तारों से कांटेक्ट हो गया उनका। जी मैम, ये 2 दिन से यहाँ पड़ी हुई है, ये तार यहाँ पे ना लाइन में ना आते है, कोई भी नहीं मैम यहाँ पे, देखो मैम। आशिक हुसैन राठौर की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, और ये जो लापरवाही वहां पर देखने को मिल रही है, और भी लोगों की जान को खतरा है। देखो अनंतनाग के बिजबिहारा के गुंचल अरवानी से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर इनका कहना है कि इसी तरह जो दरख्त है वहीं पर तारें ऐसे लटकी रहती हैं जिससे किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। कभी आपने किसी ऑफिशियल को अप्रोच किया, किसी से बातचीत करने की कोशिश की। मैम, जी मैम देखिए आप, देखो यहाँ पे कितना तारे ऐसे लगे हुए हैं, देखो मैम ये है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट ये ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट ये आते हैं तार, एच डी डायरेक्ट, कोई इस पे
काटने लिंक सेट वेट कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, लिंक विंक नहीं है यहाँ पे, देखो डायरेक्ट होता है, बहुत खतरा है यहाँ पे मैम। जो इस लापरवाही को लेकर बात करेंगे, हाँ मैम देखो यहाँ पे सब लोग बातचीत कीजिएगा जी जी। बताइएगा मुझे कि जैसे एक नौजवान की इन हालातों में मौत वाकया हुई है, क्या कहेंगे इस लापरवाही के चलते और भी लोगों की जान को खतरा बना हुआ है आपके इलाके में? जी मैडम एक्चुअली यहाँ जो ये ट्रांसफार्मर लगाया उन्होंने, ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि जमीन पर ही है, और इसका कोई जंक्शन जो होता है जिस तरह इसका होना चाहिए ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल उन्होंने यहाँ, मैं क्या बताऊं कि ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि किस तरह उन्होंने इनको इसको जो है जोड़ा है, कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, ये सब जो है पोल नहीं है, ये तारे देखे थोड़े से है, मुझे लगता है अगर हवा आ जाएगी ये गिर जाएगी पूरे तारे यहाँ। बिल्कुल, और आज जैसे पूरे इलाके में मातम पसरा है, आशिक हुसैन राठौर ने अपनी जान गंवाई है, हर कोई दुखी है, अगर उनकी जान बच जाती, अगर वक्त पे कोई आप लोगों की सुन लेता, तो क्या कभी आपने किसी को सुनाने की कोशिश की इस हवाले से? जी जी हमने बार बार जो है यहाँ जो इस पीडीडी डिपार्टमेंट के जो अफसरान है उनको हमने बहुत बार गुजारिश की है, आप आइए हम इस वक्त सफर कर रहे हैं, हमारे जो तारे ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने वो तासे मस नहीं हुए, उन्होंने तवज्जो नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज एक नौजवान की जो है जिंदगी का जंग हार दिया उसने इस बिजली की वजह से। बिल्कुल, आज के वाक्य के बाद क्या कहेंगे, किसी और के साथ ऐसा ना हो उसको लेकर क्या आप इस गुहार लगाना चाहेंगे? देखिए मैडम एक्चुअली क्या है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर के जो मुलाजिम है, जहाँ जहाँ पर ये गाँव का मामला है यहाँ पे तवज्जो दिया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि ये बेचारे यहाँ के लोग गरीब है, गरीबी की वजह से इनकी तरफ कोई तवज्जो दे नहीं रहा है, इसलिए हम गुजारिश करते हैं जहाँ जहाँ भी इस किस्म का कोई ट्रांसफार्म हो जिसकी जिसका कोई बुनियाद जो है उसका नहीं कुछ ठीक हुआ है, तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्द बजल्द उसको ठीक किया जाए जी। और आप में मुकामी लोग जितने भी हैं उनमें से कोई और इस हवाले से कोई बात बात करना चाहेगा? पूरा इस वक्त तो उनके कब्र शरीफ पर लोग गए हैं, भी वहीं पर है, हम आए इधर मौके पर देखने के लिए कि यहाँ क्या हुआ है, वो लोग वहाँ अब यहाँ है, थोड़े थोड़े लोग हैं, इनसे आप बात कीजिए, ऐसी बात नहीं कर कोशिश कोई दिक्कत जी। तो बताइएगा किन हालातों में जो है उनकी मौत वाकया हुई है, किन कैसे वो कहाँ जा रहे थे, कैसे वो इन तारों की चपेट में आ गए, उस हवाले से कुछ बताएंगे? हाँ मैम मैंने बताया था आपको, वो दो दिन से तार कटी हुई है, मतलब यहाँ पे कोई हमने लाइनमैन को भी इंस्पेक्टर भी को फोन किया, बिल्कुल उन्होंने रेस्पॉन्ड ही नहीं दिया, बोलते थे आएंगे आएंगे, बिल्कुल वो नहीं आए, कल से नहीं आए। उससे पहले भी आपने कितनी बार उनको अप्रोच करने की कोशिश की जिसके बाद कोई जवाब नहीं मिला? मैम बहुत बार हमने एप्लीकेशन 5-10 बार वहाँ पे दिया, बिल्कुल उन्होंने दस से मस नहीं हुई है। बिल्कुल, आखिर में जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप ये पूरा वाकया बयां करें और साथ ही साथ एग्जैक्टली कौन सा इलाका है वो भी बताएं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की आंख खुले और आज जो आशिक हुसैन राठौर के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। जी मैम इस गांव का नाम है गुंचाल और ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, तहसील बिजबिहारा में मैम। जी तो क्या अपील जाते जाते करना चाहेंगे? जी मैम अपील यही करते हैं, क्योंकि अभी आज आशिक हुसैन के साथ हुआ, कल किसी और के साथ ना हो, मेहरबानी करते हैं गवर्नमेंट से क्योंकि इसका हल निकाले, कभी इसका कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल यहाँ पे तार बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। और इस वक्त आप तस्वीर जी मैम हमने एक ही साइड आपको दिखाया, ये एक साइड है, अभी आप आगे आगे देखोगे उससे बुरा हाल है मैम, बिल्कुल तार नीचे है, झुकना पड़ता है जब तार के नीचे जब हम चलते हैं ना रास्ते से, हमें झुकना पड़ता है, ऊपर इतने ही तार 6 फुट 7 फुट ऊपर है।
जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन सुने और जल्द से जल्द इस पर जो है एक्शन लिया जाए कि आखिरकार जिन ऑफिशियल से आपने अप्रोच किया उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया। अब जबकि इनकी जान चली गई है तो इनकी जान का जिम्मेदार कौन है। तो इसी सवाल के साथ कि आशिक हुसैन राक्षर की जो जान चली गई है उस जान की जान का जिम्मेदार कौन है, लूंगी इजाजत। तो तस्वीरें आपको ये आखिर में जाते जाते दिखा देती।